हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है फिश ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 800 ग्राम फिश लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है। इसमें हल्दी और थोड़ा नमक डालकर वाश कर लिया है, इसीलिए इसमें हल्दी का थोड़ा रंग दिख रहा है। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि पहले से तो कलर है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सारे मसाले के साथ। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम कर ली है कढ़ाई में। अब इसे एक एक करके हम फ्राई के लिए डाल देंगे। मैंने इसको फ्राई में डाल दिया है। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हमारे फिश अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे एक एक करके हम पलट लेंगे। सब एक एक करके हम पलटेंगे। एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इस तरफ भी मैंने 8 से 7 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। अब हमारे सारे फिश फ्राई हो चुके हैं इस तरफ से भी 7 से 8 मिनट। देखो, देखिए दोनों तरफ से हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके। जो बचा फ्राई है, जो बचा है उसको हम फिर डाल देंगे फ्राई में। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये एक छोटे साइज का प्याज लिए हैं, जिसे मैंने काट ली है। हरी इलायची है, नहीं सॉरी, ग्रीन चिल्ली है। ये लाल मिर्च है 4 पीस, और ये कुछ लहसुन की कली है। और ये 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, और ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच ली है, और ये तड़के के लिए मैंने मेथी दाना ली है 1/2 चम्मच के करीब। और ये मैंने एक बड़े साइज का टमाटर को पीस ली है छिलके उतार कर। और ये सरसों दाना है येलो कलर वाला, आप चाहे तो ब्लैक कलर वाला भी ले सकते हैं। ये खड़े मसाले को मिक्सर के जार में डालकर हम सब पीस लेंगे। ये सारे मेरे पीस फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। देखिए, ये मेरे मसाले भी ग्राइंडर में पीस चुके हैं। अब हम इसको मसाला बघारेंगे। तड़का लगाने के लिए मेथी दाना डालेंगे। अच्छे
अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसी में जो मैंने टमाटर पीस कर रखी थी ये भी डाल देंगे। इसे लो फ्लेम में 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे, आधे घंटे के लिए। अब हमारे मसाले आधे घंटे हो चुके हैं, भुन चुके हैं हमारे सारे मसाले। सारे तेल ऊपर आ गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितना हमको ग्रेवी रखना होगा उतना नहीं हिसाब से पानी डालेंगे। ग्रेवी के टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। उसको चला लेंगे और बॉयल होने तक इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो गए, अब अच्छे से ग्रेवी बॉयल हो गया है। अब इसमें फिश डाल देंगे एक एक करके। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे जिसे मैंने काट ली थी। दो से तीन मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर इसको भी पकाएंगे। 3 से 4 मिनट फिश के साथ और ग्रेवी के साथ बॉयल हो चुके हैं। हमारा फिश ग्रेवी बनकर तैयार है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारा फिश ग्रेवी बनकर रेडी है। इसे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा और धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।